पानीपुरी खाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। नहीं मतलब पानीपुरी हमारे को खाने के लिए तैयार हो चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज आपको मेरी न्यू मेंबर से मिलाती हूँ जिसका नाम है चमेली। तो चमेली और मेरा कुछ स्ट्रीट फूड खाने का मन हो रहा है, चटपटा सा अहम ऐसा कुछ, और मैं जो कि घर पे बनाना नहीं चाह रही हूँ और मैं घर से बाहर भी नहीं जाना चाह रही हूँ। तो जोमेटो से ही ऑर्डर करेंगे, पर जोमेटो पे हमेशा अपन है ना हाई रेटेड फूड ऑर्डर करते हैं, आप भी और मैं भी, कि हाई रेटिंग वाले फूड। तो क्यों ना आज लो रेटिंग फूड भी ऑर्डर किया जाए, क्योंकि मेरे को है ना जोमेटो पे ट्रस्ट नहीं रहा, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लो रेटिंग फूड भी अच्छा निकलता है। तो क्यों ना आज लो रेटिंग और हाई रेटिंग दोनों फूड को ऑर्डर किया जाए और चेक किया जाए कि कौन सा बेटर है। ठीक है, One hour later. फाइनली हमारी पानीपुरी आ गई है और बहुत ही देर इसका वेट किया है मैंने, और मुझे भूख लगना स्टार्ट हो गई और मेरी चमेली को भी भूख लग रही है। तो फिर अब हम टेस्ट करते हैं, पर आप इसके पहले बताइए कि कौन सी 5 स्टार रेटिंग होगी और कौन सी 0 स्टार रेटिंग होगी। पहले मैं ही खुद ही बता देती हूँ, अब आप लोग बताओगे उससे पहले कि इसकी पैकेजिंग और इसकी पैकेजिंग हाँ समहाउ सिमिलर ही दिख रही है, बट ये पैकेजिंग पॉलीथीन में की हुई है ना, जो कि काफ़ी बेकार होती है और बहुत ही गंदी पॉलीथीन लग रही है, लाइक स्ट्रीट से भी बेकार। और ये पैकेजिंग है थोड़ी अच्छी लग रही है, और ऐसी ही तरह की पैकेजिंग होती है पानीपुरी में, तो ट्राई करते हैं अब दोनों को। यस, तो हम तैयार हैं हमारी पानीपुरी के साथ में। तो हाईएस्ट रेटिंग वाली पानीपुरी में यह पानीपुरी आई है ना, और ये इसका प्राइस आप सुनेंगे। चले आप लो स्टार की भी बात कर लेते हैं, इसमें हमारे को कम से कम 1 2 3 4 हाँ मतलब 10 पानीपुरी आई है और एक सूखी पकड़ी भी आई है। वो बोलते हैं ना लो भैया सूखी पकड़ी दे दो लास्ट में वो वाली। तो जो 5 स्टार रेटिंग वाली पानीपुरी है उसका प्राइस 150 है और उसमें 6 पानीपुरी। सीरियसली पता है मैं ना गली के बाहर 4 बार खा के आ जाऊंगी इतने में। और ये 50 रुपीज़ की पानीपुरी है, तो ये ज़्यादा बेटर है। अब टेस्ट पता नहीं कैसा होगा, बट हाँ दोनों ही टेम्पटिंग लग रही है। पहले हम लो स्टार रेटिंग वाली पानीपुरी खाएंगे। अभी जो ट्राई करते हैं हाईएस्ट रेटिंग वाले। इसमें पानी पूरी का एक पानी के साथ साथ एक मीठा पानी भी आया है, प्याज भी आया है, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। हाँ तो अब हम दोनों पानी पूरी ट्राई कर चुके हैं, जो कि विनर अपनी 2 स्टार वाली पानी पूरी निकली। जैसा कि मैंने बोला था आपको कि जोमेटो वाले पे विश्वास नहीं है मुझे, तो अब छोले भटूरे पे ट्राई करते हैं, उसमें से देखते हैं कौन विनर निकलता है, लो वाला या हाई वाला। लेट्स ट्राई। तो अब हमारे छोले भटूरे भी आ गए। पानी पूरी से पेट थोड़ी ना भरता है, छोले भटूरे मंगाने पड़े। छोले भटूरे अपन खाते हैं और देखते हैं कौन से अच्छे हैं।
ये हाई स्टार रेटिंग वाले छोले भटूरे और ये लोएस्ट रेटिंग वाले छोले भटूरे, जबकि पता है मुझे ये लग रहा है कि ये हाईएस्ट रेटिंग वाले छोले भटूरे होंगे क्योंकि इसकी पैकेजिंग ज़्यादा अच्छी है। पर ठीक है, टेस्ट में भी होता है कभी कभी। नेक्स्ट ट्राई। तो लोएस्ट रेटिंग वाले छोले भटूरे पहले ट्राई करते हैं अपन, तो देखते हैं। इसके छोले तो छोले की सब्जी जैसे दिख रहे हैं ना, भटूरे देखते हैं कि भटूरे कैसे हैं। तो इसकी पैकेजिंग भी ठीक है, इसके भटूरे जो कि काफ़ी बड़े हैं, इसके भटूरे का साइज़ ये है जो कि नॉर्मल भटूरों का साइज़ जैसे ही है। ठीक है, इसको ट्राई करते हैं। जो कैमरे के पीछे है उनके भी मुंह में पानी आ रहा है, बट इट्स ओके, अभी शॉर्ट के बाद आप खा लेंगे। हमें प्याज भी दिए है छोले भटूरे के साथ में, अचार दिया है जो कि मैं खाती नहीं हूँ। यार सब्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, मतलब जो देसी छोले होते हैं ना वो वाला टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब अपन ट्राई करते हैं हाईएस्ट रेटिंग वाला छोले भटूरे। इसमें बिल्कुल स्वाद नहीं था यार, इसको खा के मेरा मुंह खराब हो गया है, ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ ये होते हैं असली भटूरे का साइज देखा है ये। और छोले हमारे जिसमें छोले बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। हाँ ना, एक इसका भटूरा थोड़ा सॉफ्ट है और खाने में भी देखते हैं अब कैसा लगेगा। जो छोले है ना एकदम मस्त ग्रेवी में, और ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा है छोलों में, पर हाँ टेस्ट में बहुत अच्छे हैं, स्वाद आ रहा है इसमें। और ये तो बिल्कुल इस लोकल सब्जी छोले की होती वैसे ही लग रहे हैं, छोले भटूरे वाला टेस्ट बिल्कुल नहीं है, पूरी छोले भी नहीं लग रहे, पता नहीं क्या ही है। तो जो इस बार अपना विनर हाईएस्ट रेटिंग वाले भटूरे ही विन हुआ है, क्योंकि ये ज़्यादा टेस्टी लग रहा है एज कम्पेयर टू दिस। हाँ तो चमेली और मैंने दोनों ने फूड को एंजॉय कर लिया है, और यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो उसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फैमिली मेंबर और दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करिए। बाय 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 चमेली, बोलो उनको थैंक यू।